कैसे होगी? आज मैं आपको बहुत ही मजे का अदरक हांडी सालन बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही मजे का बनता है, जरूर ट्राई कीजिए। उसके लिए हमें चीजें चाहिए। ये मैंने 4 मीडियम साइज के प्याज दिए हैं, उनको मैं चॉप करने लगी हूँ। ये देखिए जी, ये चॉप हो गया है। इस साइज के प्याज हमें लेने हैं। अच्छा जी, अभी देखिए एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हमने देसी घी ऐड किया है। देसी घी तकरीबन ये 6 टेबल स्पून्स हैं। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। ये हमने अदरक लिया है, ये तकरीबन देख लें इनकी साइज कितने हैं, और ये 6 अदद हरी मिर्चें हैं, इनको हम चॉप करेंगे। साथ साथ हम इसकी भुनाई कर रहे हैं प्याज की। अब देखिए प्याज को हमने इतना करना है, उसके बाद हमने इसमें अदरक हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। हरी मिर्चें आप ना भी डालें, क्योंकि अदरक में वैसे भी मिर्चें मिर्चें होती हैं, तो इसलिए आप अगर ना भी डालें तो कोई बात नहीं, अगर डालनी तो 1-2 डाल दें। हम ज़्यादा डालते हैं क्योंकि हम स्पाइसी ज़्यादा पसंद है। प्याज को बस सॉफ्ट करना है, ज़्यादा पिंक नहीं करना। अब इनको मिक्स करके अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, भुनेंगे इसको अच्छी तरह। सूखा धनिया जाएगा इसमें 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून, बल्कि हल्दी 1.5 टीस्पून जाएगा। सॉल्ट इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, वैसे हम इसमें 1.5 टीस्पून डाल रहे हैं। ये एक्चुअली मेरी मम्मा की हाथ का अदरक है, ये बहुत ही मज़े का बनता है। हम जब भी आते हैं तो ये उनसे कहते हैं कि बनाएं, ये बहुत मज़े का बनता है। साथ साथ हमारे पराठे बन रहे हैं, साथ साथ अदरक बन रहा है, बहुत ही मज़े का नाश्ता है ये। हेल्दी एंड विंटर ब्रेकफास्ट है ये। सारे मुझे पीछे से सजेस्ट कर रहे हैं, ये कहो ये कहो ये कहो। ये देखें जी, इसकी बुनाई हो रही है जस्ट 20 मिनट्स एंड ब्रेकफास्ट इज रेडी। ये देखें जी कितने मज़े का तैयार हो रहा है। इसके साथ योगर्ट यूज़ करते हैं, पराठा अदरक और योगर्ट, बहुत ही मज़े का बनता है। आज मेरी वीडियो से थोड़ी सी शोर में होगी, कोई बात नहीं। ये जिस्म के दर्दों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, अगर किसी के दर्द है तो वो इस चीज़ का नाश्ता कर ले या खाना खा ले, बहुत ही अच्छा रहता है यार, मुफीद भी है। हल्दी जौन सी वो इसमें ज़्यादा जाती है, मुझे आइडिया नहीं था इसलिए मैंने 1/2 टीस्पून कह दिया था, वैसे इसमें 1.5 टीस्पून जाती है। अच्छा जी, अभी देखिए हमारा अदरक बन के तैयार हो गया, इसको हम डिश आउट करेंगे। अच्छा जी, अब इसकी गार्निश के लिए हम इस पर थोड़ा सा धनिया डालेंगे। लो जी, हमारा धनिया मज़े का अदरक बनके तैयार हो गया। ये बहुत ही मज़े का बना है, ज़रूर ट्राई करें। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा।